हमारा फ्रिज में ये है अंडा, तो हमारा ये घर का अंडा, देसी अंडा बिल्कुल। ये देखिए इसमें भी है अंडा, तो आज बनाएंगे सबका एक एक अंडा, एकदम देसी अंडा। देसी अंडा जब खाओगे तो शरीर में गर्माहट जरूर पैदा होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी 10:30 के ऊपर हो चुकी है, बस अभी अभी हम उठे हैं और कुछ काम के वजह से देर से उठे और कुछ काम कर रहे थे बस अभी। तो उठते उठते मम्मी ने साग बना रही है, तो बाड़ी से ला के साग बना रही है और अभी दोपहर में बनेगा साग और साथ में ठंड का मौसम में बनेगा अंडा। तो आज दोपहर में बनाएंगे अंडा करी, तो चलिए तो अंडा करी बनाते हैं, एकदम देसी अंडा, हमारा घर का अंडा, देसी अंडा। तो आज दोपहर में बनाएंगे अंडा करी, तो दिखाएंगे। तो जब ठंड का मौसम होता है ना, अंडा खाने का बहुत मन करता है, तो इसलिए आज अंडा बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अंडा। जय गुगु गुगु गेलू का हरकत देखिए, तो क्या कर रहा है अभी, मम्मी को साग बनाने नहीं दे रहा है, ये सारे तो इधर उधर कर दिए। ये देखिए मेरे को मार रहा है आके साग से। गुगो मुझे मार रहे, देखिए देखिए हमारा फ्रिज में ये है अंडा, तो हमारा ये घर का अंडा, देसी अंडा बिल्कुल। ये देखिए इसमें भी है अंडा, तो आज बनाएंगे सबका एक एक अंडा, एकदम देसी अंडा। देसी अंडा जब खाओगे तो शरीर में गर्माहट जरूर पैदा होगा। तो फिलहाल अंडा ले चुके हैं, तो चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को, बिल्कुल देसी अंडा है और हमारा घर का अंडा ये। तो चलिए बनाते हैं आज दोपहर में अंडा करी, साथ में साग बनाएंगे। तो हमारा भात तो बन चुकी है, देखिए तो हांडे में बन चुकी है भात। तो अभी पानी उबल रही है, इसमें डालेंगे अंडा। तो भाभी अंडा लेके आ रही है, देखिए पानी भी गर्म हो चुकी है, देखिए पानी भी गर्म हो चुकी है, बस इसमें डाल देते हैं अंडा। तो देखिए सबका एक एक अंडा, एकदम बिल्कुल देसी अंडा है, देखिए रेड रेड दिख रही है ना, ये हमारा घर का अंडा है। तो हमारा जो मुर्गी है वही दे रहे हैं। बिल्कुल देसी अंडा है, आज दोपहर में खाएंगे देसी अंडा। कैसा था आलू डाल के भाभी ने बनाएगा करी, तो काट रही है अभी आलू काट रही है, देखिए। तो पानी भी गर्म हो चुकी है, देखिए अंडा चूल्ही में बैठ चुकी है, साथ में आलू। तो इसे उबाल के आज बनाएंगे अंडा करी, देखिए जति यहाँ पे कैसे चिल्ला रही है, गुगो गुगो। देखिए अभी मम्मी साग काट रही है, तो आज दोपहर में अंडा करी के साथ साग। देखिए इतना सारा कबूतर है, एकदम बिल्कुल गंदा कर रहे हैं, देखिए कितना कबूतर हमारा घर में है। तो ये वाला जो छोटा वाला वो ऊपर में जो ट्रे है उसमें भी अंडा दिए हैं, और इसमें भी अंडा दिए थे, वो उनका छोटा बच्चा भी हो गया अंडा का, तो इसके अंदर दो बच्चे हैं। देखिए ये देखिए फिर एक कबूतर आ गया, और तो ज्यादा कबूतर कहाँ रहते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर दो बैठे हैं, ये देखिए यहाँ पर दो बैठे हैं। तो और यहाँ पर जो होल दिख रहा है ना, ये वाला होल,
तो इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें सारे रहते हैं। देखिए ये देखिए हमारा अंडा भी हो चुकी है, सारा उबल चुकी है, अभी अंडा भी सीज चुका है, तो उसे निकाल के अभी तोड़ेंगे, उसका छिलका निकालेंगे, फिर बनाएंगे अंडा करी। तो अंडा को अभी भाभी फ्राई बनाए, फ्राई करेगा। हमारा अंडा फ्राई हो चुकी है, जब आए संडे तो रोज खाओ अंडे। Thank you.
फाइनली हमारा अंडा करी बन चुकी है, बस इसे निकाल लेते हैं। भाभी निकाल रही है अभी, बस इसके बाद बनेगा साग। तो साग जितने जल्दी बनेगा तो उसके बाद हम खाना शुरू करेंगे। तो भूख लगी है, फिलहाल अभी 2 बज चुके हैं। देखिए फाइनली हमारा साग बन चुकी है। देखिए भाभी अभी निकल रही है प्लेट में, बस दोपहर भी 2 बज चुकी है, अभी खाएंगे। फिलहाल सब लोग बैठ चुके हैं तो खाने के लिए। देखिए तो नहाने के बाद अभी सब लोग खा रहे हैं धूप में बैठ के, क्योंकि धूप भी आई है। तो हम तो छांव में बैठे हैं, बाबूजी वगैरह धूप में बैठे खाए हैं। तो चलिए आज दोपहर में बनी है अंडा करी। राइस आ चुकी है, गेलू का अंडा करी। गेलू बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा है। देखिए तो खा रहा है अभी बैठ के, अंडा खा रहा है, मैं उससे भात खिला रहा हूँ। फाइनली हमारा अंडा करी तो मस्त बनी थी, सारे लोग मिलके खाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया जरूर लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।